पनरशा में फ्रेश अप होने के बाद हम पराशर लेक ट्रेकिंग के लिए निकल गए थे और जहाँ से हम ट्रेकिंग शुरू करने वाले थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन हमने अपना रेनकोट वगैरह पहना और हमने शुरू कर दिया था ट्रेकिंग। बारिश के कारण पहाड़ थोड़ा सा स्लिपरी तो हो गया था, लेकिन हम वो भी एंजॉय कर रहे थे और हम आगे बढ़ रहे थे। लंच हमने नीचे पनरसा में ही पैकिंग करा लिया था, तो ऊपर थोड़ी सी बारिश रुकने के बाद हम एक खाली स्पेस देके वहाँ पे हम लोगों ने लंच भी कर लिया था। तो हम फाइनली पहुँचने वाले थे पराशर लेक ट्रेकिंग कंप्लीट करके, और ये करीब हमें 3 से 3.5 घंटा लग गया था। मतलब नीचे से जहाँ से हम ट्रैकिंग करने वाले थे वहाँ से पराशर लेक ऊपर तक पहुँचने में, और अगर आप चाहो तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो, ऊपर रास्ता भी है, लेकिन हाँ ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और ये एक छोटी सी ट्रैक है, तो आपको अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो आराम से, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो 6 से 7 किलोमीटर है, तो आराम से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और ये जैसे रोड है तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो। गए हैं ट्रेकिंग करके पराशर लेक के आसपास। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले कैंप साइट, एंड आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो व्यू है कितना ऑसम है। और सबसे पहले हम जाएंगे कैंप साइट, कैंप साइट में हम कुछ टाइम रेस्ट लेके ये सब भीगे कपड़े चेंज करके फिर हम जाएंगे लेक की तरफ, मंदिर की तरफ। आप जब भी जा रहे हो पराशर लेक तो एक पेयर ट्रेकिंग शूज़ ज़रूर कैरी कर लेना और एक रेनकोट भी, क्योंकि होता है ना पहाड़ों में कभी भी बारिश हो जाती है तो कोई गारंटी नहीं है, तो रेनकोट भी ज़रूर ले लेना। और वहाँ पे मंदिर के आसपास, लेक के आसपास भी बहुत सारे स्टे के लिए जगह है, वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, लेकिन हमने ये जो कैंप है कैंप में रहने के लिए हमने सोचा था, तो हम कैंप में रुके थे। और अगर आप चाहो तो मंदिर के पास भी रुक सकते हो, लेकिन हाँ कैंप में अगर रुकते हो तो कैंप से थोड़ा सा डिस्टेंस है मंदिर, थोड़ा सा डिस्टेंस है वो मंदिर और लेक जहाँ पे है, तो आप ये पूरा जो वो एरिया है ना वो पहाड़ में, तो वो पूरा एरिया भी आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कैंप में रहने का, टेंट में रहने का स्पेशली मज़ा ही कुछ अलग है। जस्ट 50 मीटर्स फ्रॉम ब्रड, एंड हम ब्रड ट्रेकिंग करके आए हैं। ये तो वैसे रोड है और इसी रोड में हम जाएंगे वापस मंदिर की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ कैंप के साइड।
सो फाइनली हम हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं। एंड मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही सेफली ये अरेंजमेंट किया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की। ये है हमारे कैंप जहाँ पे हम रात को रुकने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे हमारे कैंप साइट और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे मंदिर और लेक। और माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बारिश के वजह से मैं वो सारी मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाया और आपको नहीं दिखा पाया जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम देखते हैं मंदिर और लेक की व्यूज़।